मंत्री जी, डिप्टी सीएम के सब मौर्य ने जो बटेंगे कटेंगे कहा था, उस पर भी यूटर्न लिया है, जिस पर अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की है कि इसका पार्टी उसका समर्थन करती है। आप इस नारे को कैसे देखते हैं? किस चीज का? बटोगे तो कटोगे, कटे ही हैं। जब बटे थे तो देश का विभाजन हुआ, और वो लोग जो देश के विभाजन में जो हिस्सेदार थे, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस ही उसके लिए अपराधी है। ये सब मिलकर के समाज को बांटने का उन्होंने जातियों और कुनबों में बांटा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि सब हमें जाति को तोड़ना है और समाज को जोड़ना है। आज वो जात की बात करते हैं, जो पीडीए करते हैं वो बांटने की बात तो करते हैं। तो यदि देश को ये एक तरीके से बांटने की साजिश है। एक समय वो उन लोगों ने ये कहा था कि ये हरित प्रदेश बनाएंगे, तो ये सब जो चीज़ें वो कहते रहते हैं समय समय पर, ये चुनावी स्लोगन है। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी 5 बार इस राज्य में आदरणीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी शासन के भीतर रहे और उत्तर प्रदेश को मटियामेट करके छोड़ दिया। यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला रहा। योगी जी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चला रही है, और वो चलाते थे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, और वो ठेकेदार थे जिन्होंने पूरे जनता को तबाह कर रखा था उन जनपदों में। देश की जनता, प्रदेश की जनता इस बात को समझती है और दोबारा उनको ये मौका नहीं देने वाली है। लेकिन मंत्री जी, आप ही के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये बीजेपी का नारा नहीं है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था। ये बात योगी आदित्यनाथ जी ने सही कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और कटे भी थे। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है और क्या हो रहा है कनाडा के भीतर, ये हमको देखना चाहिए, और जनता उसको देख रही है। अब तो आप हैं, मीडिया के लोग हैं, रोज उन घटनाओं को दिखाते हैं, और लोग वहाँ भोगी हैं, तो इसलिए इसको गंभीरता से जनता लेगी, और ऐसे लोगों को जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया है उनको बाहर करेगी। फिरोजाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें अब धन्यवाद खाद के लिए खाद को लेकर किल्लत देखने को मिल रहा था। चलिए धन्यवाद सर। खाद को लेके हमने खाद के बारे में सब बता दिया, इतना विस्तृत रिपोर्ट आपको बताई। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।